हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जो एम्स बठिंडा का रिजल्ट आया है उस पर डिस्कस करेंगे। उसको शुरू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आज इस वीडियो को बनाने में कुछ देर हो गई थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली COVID-19 की ड्यूटी में था, COVID ICU में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये डिस्कस करता हूँ कि जो एम्स बठिंडा का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था उस पर देखिए, आप देख सकते हैं जो प्रोविजनल रिजल्ट इन्होंने निकाला था 17 जनवरी को, ठीक है। ये सब सीट्स थी, 150 टोटल सीट्स थी, उसके लिए निकाला था इन्होंने, ठीक है। जिसके बाद में एक इसमें लिखा है कि 32 कैंडिडेट्स हैं जो एबसेंट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। इसके लिए इन्होंने फिर से जो डिसेबिलिटी दिखाया था, एक मिस्टर अरितिका जिनका रोल नंबर दिया हुआ है ये, और इनका रीअसेसमेंट हुआ उसके बाद से, इस कारण से उनकी डिसेबिलिटी है, वो जो क्राइटेरिया था उसको मीट नहीं कर रही है। 40% होना चाहिए, वो उसको मीट नहीं करती है। इसके लिए ऐसे ही एक कैंडिडेट और था, मिस रमनदीप कौर, ठीक है, उनको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो रीअसेसमेंट पर उसकी डिसेबिलिटी दिखी नहीं थी, इसलिए इन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, सबका नाम लिखा हुआ है इसमें और सबके रोल नंबर सब कुछ है। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट और टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज एज मेंशन्ड अबव इज प्योरली प्रोविजनल। ये अभी प्रोविजनल है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको प्योर सेलेक्ट माना जाएगा। तो ये सब कुछ है, इसके बाद आगे देखते हैं कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन निकालता है। तो फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।